सत्याचा माजलेला नगरसेवक सुशांत सावंत सत्याचा माजलेला नगरसेवक सुशांत सावंत बीजेपी नगरसेवक सुशांत सावंत बीजेपी नगरसेवक सुशांत सावंत बीजेपी नगरसेवक सुशांत सावंत तिलक नगर पुलिस स्टेशन के पीछे के साइड में राहुल नगर के रोड पर यहाँ पे जो जमा लोग साथी कामगार कार्यकर्ता है इन्होंने अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन करके गेले 10 साल से तिलक नगर के बैक साइड में एक वाचनालय चला ले जिसका उपयोग राहुल नगर पंचशिला नगर में रहने वाले विद्यार्थियों को हो रहा है। सारे जो यहाँ पर जमा है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले श्रमिक मेहनतकश है। हम सभी के घर छोटे होते हैं, हमको बैठने के लिए जगह नहीं होता है, मगर हमारे बच्चों ने पढ़ना चाहिए और बाबा साहब ने जो शैक्षणिक महत्व हमको समझाया है वो हमारे बच्चों के ज़िंदगी में आना चाहिए। इसको सामने रखकर वाचनालय चलाने का काम गेले 10 साल से चल रहा है। इसके बारे में स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है, यहाँ पर वार्ड ऑफिस में रिकॉर्ड है, कहीं पत्र व्यवहार हो चुका है। इसके बारे में पक्का बांधकाम करके देना चाहिए करके हमने माजी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इनको लेटर लिखा था, उनका हमारे पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने लिखा है कि उनको पक्का बांध के देना चाहिए। दुर्दैववश फडणवीस जी गए, उद्धव जी आए, उनको हमने लेटर रख दिया, उन्होंने कहा कि उसको पक्का बांध के दिया जाना चाहिए। उसका पूरा रिकॉर्ड होने के बावजूद बिना नोटिस दिए रात के अंधेरे में सुशांत सावंत और वहाँ के कुछ गुंडों ने मिलकर वहाँ पर बांधकाम को तोड़ा, वहाँ के बोर्ड को काटा गया, बाबा साहब की जो किताबें थी उसको नष्ट किया गया। इसके निषेध में यहाँ पर हम लोग सब लोग आए। तो अभी हम लोग मराठे साहब को मिलने गए थे, उसके साथ उप अभियंता डोगावकर साहब को मिले और उन्होंने आज जो उधर काम चल रहा है उसको रोका है अभी कुछ मिनटों पहले, और उसके बारे में कल बड़ी मीटिंग वार्ड ऑफिसर के साथ होगी और उन्होंने कहा है वहाँ पर वाचनालय था उसको हम फिर से बांध के देंगे। वहाँ पर आप लोग जाएंगे और देखेंगे सिर्फ 21 घर है और 21 घर के पीछे एक बड़ा शौचालय है। इतने दिन सुशांत सावंत ये बोल रहा था कि वहाँ पर हमको खुली जगह रहनी चाहिए, तो हमने कहा खुली जगह रहना चाहिए, मगर वहाँ पर तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, वाचनालय है, जहाँ पर 6 दिसंबर 14 अप्रैल का प्रोग्राम हम मनाते हैं, वही जगह क्यों? और 21 लोगों के लिए बीएमसी शौचालय कहाँ पर खड़ी करती है क्या? तो सीधी बात है नहीं, आप लोग जाके देख सकते हैं, मतलब सिर्फ मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब एक साजिश है, ये जगह सुशांत सावंत बीजेपी के नगर सेवक को हड़पना है वो हो नहीं सका, इसीलिए ये नौटंकी शौचालय का है। क्योंकि शौचालय कुछ दिन बांधेंगे, बाद में यही लोग बोलेंगे कि भाई अभी शौचालय की जरूरत नहीं, उधर एक समाज मंदिर हॉल बनाएंगे या और कुछ बांधेंगे। तो ये एक बड़ी साजिश है और हम देख रहे हैं कि इस एम वार्ड में ही काम करने वाले हमारे कई सफाई कामगार साथी है जिन्होंने इस वाचनालय के 50-50 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उन सफाई मजदूरों से आप बात करोगे तो 3 महीने का पेमेंट नहीं मिला, ये हाल है बीएमसी का। इनके पगार से पीएफएसआई का पैसा काटा गया, उसका अमाउंट देने के लिए बीएमसी बोलती है पैसा नहीं। तो एक रात में कौन सा फंड जमा हो गया जिसका स्ट्रक्चर शौचालय के नाम पे खड़ा है? इसी का रिकॉर्ड हम मांगने आए थे भाई, वो कौन सी तुम्हारी ऐसी यंत्रणा बीएमसी की फास्ट हो गई है कि एक रात में शौचालय पास होता है, फंड मजबूर होता है और दूसरे जगह पर 3-3 साल का एरियर्स नहीं मिलता, 3 महीने का पेमेंट नहीं मिलता। और वो पेपर हमने उनसे मांगा, वो आज हमको दिखा नहीं सके, हम फिर भी उन्होंने कहा है कल हम लोग वो पेपर जमा करेंगे, हम देखना चाहते हो पेपर। हम लोग की मांग पूरी नहीं होता है क्या? अगर नहीं हुई तो हम लोग यहीं पर जगह पर धरना पर देके बैठ जाएंगे। जब तक बाबा साहब का वाचनालय फिर से खड़ा नहीं होता, मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं होता, तब तक हम सभी लोग उस जगह पर बैठ के रहेंगे। पर आज उन्होंने काम रोका है, फिर बड़ी मीटिंग होगी उसके बाद हमारा तय होने वाला है। ये 2016 से ये गरीबों ने सफाई कामगार एम वार्ड में काम करने वाले जिनका की बाकायदा पगार 2015 से बढ़ गया है वो आज तक इनको नहीं मिला। अभी आप देखिए ए एम वार्ड से कामगार कौन कौन है, तुम्हाला किमान वेतनाचा फरक मिळालाय का? नाही। पैसा नहीं है। 16 से वहां पर वाचनालय इन्होंने ही इनके ही बच्चों के लिए पैसा जमा कर वो किया है, इसको तोड़ा गया, नोटिस दिए बगैर तोड़ा गया और वहां पर म्युनिसिपैलिटी बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से बांधकाम चल रहा है। अरे नहीं है। और वहां पर म्युनिसिपैलिटी का बोर्ड नहीं है, कोई भी बांधकाम चलेगा तो म्युनिसिपैलिटी का बोर्ड होना चाहिए, वो बोर्ड नहीं है। इसकी बोले हाँ सब हो गया, पेपर वर्क 15 का पगार देने के लिए पैसा नहीं है और ये वाचनालय तोड़ के वहां पर संडास बनाने का काम 3 दिनों में हो गया। ये विश्वास आएगा म्युनिसिपैलिटी का? इतना काम जोर से होता है। हमारा नगर सेवक से कोई आपसी झगड़ा नहीं है, मतभेद नहीं है। ये जो गलत काम कर रहे हैं
इसके खिलाफ ये लोग आए हैं 16 में यहाँ पर 6 दिसंबर को वहाँ पर लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको रोका गया था, उनको अनाज पानी दिया गया था। यहाँ पर बच्चों को साल में एक बार जब वो पास होते हैं तब उनको प्रोग्राम किया जाता है और ये सभी प्रोग्राम का रिकॉर्ड है। ये विजय दलवी ये स्वीकृत नगर सेवक थे, वो ये चला रहे हैं, पालिका को मालूम है और वो बोलते हैं नोटिस दिया। तो विजय दलवी को आप जानते हैं, यहाँ पर पत्र व्यवहार हो रहा है, उनसे संपर्क नहीं। तो ये बड़ी साजिश इस जगह को लेने की। वहाँ पर दूसरा बड़ा वाला सुलभ शौचालय है, पीछे बिल्डिंग है, पीछे के बिल्डिंग के लोगों को पूछा नहीं यहाँ पर शौचालय करे या नहीं, उनका ऑब्जेक्शन है। और विदाउट टेकिंग ऑब्जेक्शन, किसी का परमिशन लिए बगैर ये जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। और वहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ जो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं बोल रहे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, इनकी तस्वीरें थी, वो आज वहाँ से गायब है, वो आज वहाँ से गायब है। वहाँ पर बोर्ड था बाबा साहेब का, वो बोर्ड काटा हुआ है। ये हम इससे टेंशन फैलाना नहीं करते, लेकिन आप नगर सेवक है इसका मतलब कुछ भी करोगे ये भी ठीक नहीं है। तो इस पर हम चाहते हैं, आज बीएमसी ने काम रुकवा दिया है, अभी के अभी वहाँ काम रुकवा दिया, आप जाके वो देख लीजिए। तो ये बात है। और ये बालवाड़ी को बंद करके सिर्फ दो लोग चाहते हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता इसके लिए वहाँ पर संडास का काम, ये सब सरासर नाइंसाफी है। और ये इंसाफ मांगने आए, बराबर ना, हमने काम चालू किया है और उधर कटआउट लगता है, भारतीय जनता पार्टी खासदार पूनम महाजन यांच्या फंडातून काम चालू झालंय। और काम चालू होने से पहले ही, हाँ काम चालू होने से पहले ही हमारा वाचनालय तोड़ दिया और दूसरे दिन उसी रात में तुरंत भाजपा का कटआउट लगता है। तो सच्चाई किसके पास है, महानगर पालिका के पास क्या नगर सेवक के पास? महानगर पालिका बोलते हमारा काम है और नगर सेवक इधर बोर्ड लगाए है कि हमारे फंड से काम हो रहा है। ये देखो कितना झूठ बोल रहे लोग, ये देखो इसमें फोटो ले सकते हैं आप। बीजेपी नगर सेवक सुशांत सावंत, बीजेपी नगर सेवक सुशांत सावंत।